हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे IBPS क्लर्क और IBPS PO प्री और मेंस के लिए क्लोज टेस्ट, और सेम इसी तरीके का क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा आपके रियल एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यदि आप इंग्लिश एडवांटेज की पेड क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस क्लोज टेस्ट को। देखिए, एक ये रियल क्लोज टेस्ट है और सेम इसी तरीके का क्लोज टेस्ट आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लोज टेस्ट थोड़ा सा ये टेक्निकल है, और ब्रेक्सिट एक टॉपिक है, ब्रेक्सिट एक इशू हुआ था तो उसके बारे में है ये पूरा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये लेटेस्ट पैटर्न का क्लोज टेस्ट है। इसमें आपको देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, और ब्लैंक के हिसाब से दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सूटेबल होने चाहिए, तो वही इसमें आपका आंसर होगा। अब यहां से इसको पढ़ते हैं, ईयू एंड नॉन ईयू सिटीजन्स। ईयू का मतलब क्या है? ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन, ठीक है? तो यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स और नॉन यूरोपियन यूनियन के सिटीजन। यूरोपियन यूनियन का मतलब ये है कि उसमें काफी सारे यूरोप की कंट्रीज इंक्लूड हैं, ठीक है? और उससे यूके जो है, ब्रिटेन जो है, वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक्सिट। तो उसके बारे में ये पूरा है, ईयू एंड नॉन ईयू सिटीजन्स। ईयू एंड नॉन ईयू सिटीजन्स, दोज फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड बियॉन्ड कुड हैव द सेम इमिग्रेशन राइट आफ्टर ब्रेक्सिट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे रिसेंटली। अब देखिए क्या भर सकते हैं आप यहां पर, ये जो है इसमें ऑप्शन दिए, इंक्लूडिंग प्लस, एक्सेप्ट, डिलीटिंग, कमिंग, हैविंग, काउंटिंग, टेकिंग और सेग्रीगेटिंग, कॉलिंग। तो यहां पर क्या वर्ड आ सकता है? देखिए, इंक्लूडिंग और प्लस वर्ड यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे जो है वो बोल रही है कि यूरोपियन यूनियन और नॉन यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन्स होंगे, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड बियॉन्ड। इसके अलावा जो इंडिया के जो सिटीजन्स होंगे, ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स होंगे, और उसके उसके अलावा बियॉन्ड जो सिटीजन्स होंगे, उनके लिए भी जो इमिग्रेशन के जो राइट्स हैं, कुड हैव द सेम इमिग्रेशन राइट्स, उनको सेम इमिग्रेशन राइट्स मिल सकते हैं। अब यहां पर मैंने इंक्लूडिंग और प्लस क्यों लगाया? देखिए, इंक्लूडिंग दोज और प्लस दोज, ये दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग यहां पर सेम निकलेगा। यदि मैं इंक्लूडिंग लगाऊं तो भी सेम मीनिंग निकलेगा, और प्लस लगाऊं तो भी सेम मीनिंग निकलेगा। अब देखिए यहां पर सेकंड में एक्सेप्ट आ सकता है, लेकिन एक्सेप्ट के साथ डिलीटिंग नहीं आ सकता, क्योंकि डिलीट एक्सेप्ट का मतलब होता है इसको छोड़ के, और डिलीटिंग का मतलब होता है मिटा के, इसको मिटा के। तो डिलीटिंग वर्ड यहां पर अप्रोप्रिएट नहीं है। कमिंग और हैविंग अप्रोप्रिएट नहीं है। कमिंग दोज फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड बियॉन्ड। कमिंग दोज फ्रॉम तो हम जब बोलेंगे जब कोई कहीं से आ रहा है, इसमें हम इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? काउंटिंग दोज फ्रॉम इंडिया, ये भी सूटेबल वर्ड नहीं है। सेग्रीगेटिंग का मतलब अलग करना होता है। तो यहां पर यही चीज आपको रीडिंग से आती है, इसलिए सारे जितने भी टीचर्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि आप रीडिंग करें इंग्लिश की, क्योंकि रीडिंग से एक कॉमन सेंस क्रिएट होता है कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड नेचुरली जा सकता है। तो यहां पर इंक्लूडिंग और प्लस, ये ऑप्शन यहां पर होगा। क्वेश्चन वन का आंसर होगा यहां पर वन, दोज फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड बियॉन्ड कुड हैव द सेम इमिग्रेशन राइट्स आफ्टर ब्रेक्सिट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे रिसेंटली। अब हम सेकंड में देखते हैं। देखिए, ये है सेकंड के आंसर्स, सेकंड के ऑप्शंस। तो ये चीज किसने बोली है? ये एक स्टेटमेंट है कि ईयू के सिटीजन्स और नॉन ईयू के सिटीजन, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स को मिला के इनके जो राइट्स हैं, इनके जो इमिग्रेशन राइट्स हैं, वो अलग अलग नहीं होंगे, इनके इमिग्रेशन राइट सेम हो सकते हैं। ये किसने बोला है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे रिसेंटली। तो यहां पर क्या आ सकता है? रिसेंटली मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा हो सकता है, तो कहा से संबंधित वर्ड यहां पर आ सकता है। डेजिग्नेटेड आएगा नहीं, क्योंकि डेजिग्नेटेड का मतलब किसी व्यक्ति को डेजिग्नेट करना। मार्क नहीं आएगा, रजिस्टर्ड नहीं आएगा। इंडिकेटेड आ सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा इंडिकेट किया, उन्होंने ऐसा पॉइंट आउट किया या इंडिकेट किया रिसेंटली। तो इन सभी ऑप्शंस में से इंडिकेटेड जो वर्ड है ये सही है। अब देखिए रिसेंटली का क्या मतलब है? रिसेंटली का मतलब है अभी हाल ही में। तो अभी हाल ही में के लिए, यानी ये पास्ट की कोई कोई घटना है, पास्ट इंसिडेंट है, तो पास्ट इंसिडेंट के लिए हम पास्ट
पास्ट इंसिडेंट के लिए यहां पर हम इंडिकेटेड या पॉइंटेड आउट वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्लोज टेस्ट को आपको करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईयू एंड नॉन ईयू। अच्छा, यहां तक हो गया, यहां तक ये हो गया। अब हम यहां से पढ़ते हैं द प्राइम मिनिस्टर व्हेन आस्क्ड। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बोला जब उनसे पूछा गया। व्हेन आस्क्ड का मतलब है जब उनसे पूछा गया। द प्राइम मिनिस्टर व्हेन आस्क्ड, अब उनसे पूछा गया, उनसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस में यहां पर अप्लाई कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर व्हेन आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया तो उनसे पूछा गया एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। हम क्वेश्चन ही किसी व्यक्ति से पूछेंगे, उससे आंसर नहीं पूछेंगे। व्हेन आस्क्ड, व्हेन आस्क्ड का मतलब है कि यहां पर एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया है। और क्वेश्चन के लिए हम यस नो क्वेश्चन में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन के लिए हम यस नो क्वेश्चन में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर व्हेन आस्क्ड इफ द ईयू वुड गेट अ प्रेफरेंशियल ऑन इमिग्रेशन राइट, ठीक है। तो यहां पर आपका इफ आ सकता है और इफ के साथ वेदर भी आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि इफ और वेदर इंटरचेंजेबल होते हैं, एक के स्थान पर दूसरा आ सकता है। हालांकि वेदर थोड़ा सा फॉर्मल होता है, इफ इनफॉर्मल होता है, लेकिन ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबल होते हैं। तो इसलिए फोर यहां पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर व्हेन आस्क्ड इफ द ईयू वुड गेट अ प्रेफरेंशियल ऑन इमिग्रेशन राइट, प्रेफरेंशियल क्या क्या हो सकता है, प्रेफरेंशियल क्या क्या चीज हो सकती है, प्रेफरेंशियल क्या, प्रेफरेंशियल पैक्ट हो सकता है, प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट कोई मतलब ही नहीं है, प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट कभी सुना भी नहीं होगा आपने, प्रेफरेंशियल प्लेज, प्रेफरेंशियल प्लेज सेंसलेस है, क्योंकि प्रेफरेंशियल प्लेज का क्या मतलब होगा, प्लेज का मतलब शपथ लेना होता है। प्रेफरेंशियल अटेंशन हो सकता है और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। जैसे दो व्यक्ति हैं, हम एक व्यक्ति को थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति का हम उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या प्रेफरेंशियल अटेंशन, ठीक है। बाकी सारे वर्ड देखिए, प्रेफरेंशियल रिफ्यूजल, प्रेफरेंशियल रैपट। तो यहां पर सबसे सही जो सेंस बन रहा है वो थर्ड ऑप्शन का बन रहा है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर व्हेन आस्क्ड इफ द ईयू वुड गेट अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑन इमिग्रेशन राइट, जब प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि क्या ईयू को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा इमिग्रेशन राइट्स के संबंध में, ठीक है, तो उसके बारे में इसमें बात हो रही है। टू बी एबल टू ट्रेवल टू द यूके मोर इजीली सेड दैट वन ऑफ द मैसेजेस फ्रॉम द रेफरेंडम वॉज द पीपल डिड नॉट वॉन्ट अ सिचुएशन वेयर दे कुड सी पीपल कमिंग हैविंग दोज ऑटोमेटिक राइट टू ट्रेवल टू द यूके एंड अ सेट ऑफ रूल्स फॉर पीपल आउटसाइड द ईयू। इसमें ये बात हो रही है कि उनसे रेफरेंडम में ये क्वेश्चन किया गया, क्या यू के जो सिटीजन्स हैं उनको स्पेशल राइट्स दिया जाएगा या उनको स्पेशल इमिग्रेशन राइट्स दिए जाएंगे और दूसरे जो सिटीजन्स हैं उनको नहीं दिए जाएंगे, तो ऐसा इसमें नहीं है। वॉट वी विल बी डूइंग इज पुटिंग फॉरवर्ड अ सेट ऑफ रूल फॉर पीपल फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ईयू। एक सेट ऑफ रूल्स वो क्रिएट करेंगे, सेट ऑफ रूल वो बनाएंगे जिसमें ईयू के लिए कुछ अलग रूल्स हो सकते हैं और नॉन ईयू के लिए कुछ अलग, थोड़े से अलग कुछ रूल्स हो सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा है, द इशू ऑफ प्रेफरेंशियल राइट्स फॉर ईयू सिटीजंस हैज बीन अ कंट्रोवर्शियल इशू रेफरेंडम कैंपेन एंड आफ्टरवर्ड। ये कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, इशू ऑफ प्रेफरेंशियल राइट जो है ईयू सिटीजंस के लिए, ये कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। कहाँ पर रहा है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, अमेड और एज, थ्रू आउट और ऑल अलोंग, थ्रू आउट रेफरेंडम कैंपेन। देखिए, कैंपेन जब चलता है तो पूरे कैंपेन के दौरान कोई इशू एक हो सकता है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, ठीक है। ओवर का मतलब ड्यूरिंग होता है, लेकिन ओवर के साथ अंटिल वर्ड नहीं जाएगा, ओवर के साथ अंटिल वर्ड नहीं जाएगा, क्योंकि ओवर ड्यूरेशन को बताता है, ओवर का मतलब होता है ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग अंटिल जबकि कंडीशन के लिए आता है। व्हेन और व्हाइल एक ही वर्ड होते हैं, लेकिन व्हेन और व्हाइल नहीं आएगा, सूनर और लेटर नहीं आएगा। इसमें सबसे सूटेबल वर्ड होगा थ्रू आउट, तो 100 में आपका आंसर होगा थ्रू आउट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप यहां पर देख सकते हैं पूरा क्लोज टेस्ट। ये सेम क्लोज टेस्ट, इसी तरीके का क्लोज, ये रियल क्लोज टेस्ट है और IBPS क्लर्क प्री और मेंस में ऐसा ही क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी वीडियो क्लास को मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपलोड करूंगा, जिसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इसको आप देख पाएंगे।
और सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश एडवांटेज की ऑफिशियल वेबसाइट एग्जामिनी डॉट इन के नाम से शुरू हो गई है। यहाँ पर आपको ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के और सारे टॉपिक्स के बारे में, और यहाँ से आप पेड क्लासेस इंग्लिश एडवांटेज की आप ज्वाइन कर सकते हैं, SSC के लिए, बैंक PO के लिए और बैंक क्लर्क के लिए। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।